संगीत खान जब मर गया था ना, तो 10 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ऊंचा करने की, क्योंकि लोगों को ऐसा डर था कि कहीं उठ मर जाए। दहशत का दूसरा नाम था, बड़ी खतरनाक था, चंगेज खान। और मत पूछिए, यहाँ चाइना के ऊपर मंगोलिया, ध्यान से देखिए, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मिला मंगोलिया, वापस चाइना जाइए, वापस जाइए चाइना। हाँ मिला, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। यहाँ का शासक सुझा बड़ी खतरनाक, चंगेज खान, चंगेज खान इस पूरे एरिया पे ससुरा कब्जा किया था। सबसे बड़ा एक जगह का साम्राज्य अगर किसी का था तो मंगोलों का था, चंगेज खान। बहुत खतरनाक था चंगेज खान। अरे इस ससुरा जहां मारता था ना, वहां तो रद्द करके रख देता था, जिस एरिया को तबाह किया उस एरिया में केवल कुत्तों को और चील गिद्ध को छोड़ता था, कभी खा के साफ कर सके। और मीनार बनवाता था अपने सेना से सिर का गुथ के, कि अगर जितना लोगों को हत्या की उसका मुड़िया काट के गुथ के उसे भाला में रखे, जिसका मीनार ऊंचा रहता था उसको अवार्ड देता था। वाह वेरी गुड फैंटास्टिक। और जिसका मीनार कम रह गया उन्हीं को काट के दिल से देता, कम आदमी को काटा। सोचिए जिधर से चंगेज खान की सेना जाती थी ना, तबाह हो जाता था उसके लिए। चंगेज खान जब मर गया था ना, तो 10 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई चूचा करने की, क्योंकि लोगों को ऐसा डर था कि कहीं उठ मर जाए। चंगेज खान को कहां दफनाया गया किसी को पता ही नहीं लगने दिया गया। उसको जहां दफनाया गया ना, उसके एरिया में किसी को नहीं, और जो दफनाने ले गए थे सब, उस सबको ही मार दिया गया। जो सिपाही ले गए थे सब, जो कमांडर था, उस सबके पास तो कुर्सियां डाटा रहता है, उसको लगा कि हम तो किसी को बताएंगे नहीं, सिपाहिया मत बता देते, इन्हों को निपटा देते हैं। और दफनाने के बाद उस एरिया में 20-25 किलोमीटर के एरिया में एक 1.5 महीना तक घोड़ा दौड़ाया था सब, ताकि निशान मिट जाए कहाँ है यहाँ पर। चंगेज खान दहशत का दूसरा नाम था, बड़ी खतरनाक था चंगेज खान। और मत पूछिए, वहां पर पूरा इतना एरिया का जिया लेना, समझ रहे हैं, खेलवा रहे हैं। चंगेज खान बहुत खतरनाक था। जियाउद्दीन मांगबरनी एक शासक था, जियाउद्दीन मांगबरनी को चंगेज खान पीछा कर रहा था। तो जियाउद्दीन मांगबरनी भारत में घुस गया, कहां घुस गया, भारत में, और इल्तुतमिश के पास आया। उस समय मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ था इल्तुतमिश, गुलाम था। इल्तुतमिश से कहा कि भैया हमको थोड़ा सा शरण दे दी। कहा ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहा हमको पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुंडा उंडा को हम निपटा देंगे, तुम्हारा नाश्ता पीना करो, आराम करो, यहाँ पे रात में खाने के टाइम पूछे कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। कहा चंगेज खान। कहा अरे चोटा कहीं का रे, का भगा यहाँ पे, खाना कौन खाया, मुंह में से निकाल, चोटा भगा दिया उसको, चोटा कहीं का आएगा चंगेज खान तोरा पीछा करते करते हमारे यहाँ आया। अब तुरंत संदेश भेजा चंगेज खान को कि आया था, भागा इधर, भगा दिए हम यहाँ पे, पहले बता रहे थे, पकड़ के आपको दे देते। बड़ी खतरनाक था सोचा चंगेज खान। चंगेज खान बहुत निर्दयी शासक, इतिहास में अगर निर्दयी को देखे गए, अरे बाप हो बाप, चंगेज खान इतना भी नहीं मारा जाता है जी किसी को। हाँ अभी क्या हाल हुआ होगा मंगोलिया को, आज कोई नहीं पूछ रहा, समझा, आज मंगोलिया क्या हो गया, रद्द हो गया। यहाँ पे मंगोलिया के जमीन को चाइना कहता है कि आधा मेरा है। जिसको देखो कहता है कि आधा मेरा है। एक समय ऐसा आएगा जब चीन का पैसा कम होगा तो सब मिल के मारेगा सब इसको, समझ में कि नहीं, सब चाइना, उसका कहेगा आधा चाइना मेरा है, आधा चाइना मेरा, बकोट बकोट खा जाएगा सब।